अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी से पैसे कमाने का तरीका सिखाऊंगी। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है और वो एज अ बिगनर काम करना चाहते हैं और उनको ये नहीं पता चल रहा कि हम किस स्किल को सीख के जो है ना वो पैसे कमाना स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में जब मैं आपको स्किल सिखाऊंगी उसके लिए आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो स्किल लेवल चाहिए। मीन अगर आपका स्किल नहीं भी है ना, आप फिर भी काम करके पैसे कमा सकते हैं चैट जीपीटी से। बट व्हाट इज़ चैट जीपीटी? चैट जीपीटी ये एआई का एक टूल है जो आपकी हर क्यूरीज का जो है ना वो आंसर आपको करता है। चाहे आप सब्जेक्ट से रिलेटेड करें, चाहे आप एमसीक्यू से रिलेटेड करें, चाहे आप उससे कंटेंट राइटिंग करवाएं, ये आपको कंटेंट जो है ना वो प्रोवाइड करता है, अपनी आपकी क्यूरीज का आपको आंसर करता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विदाउट स्किल हम किस तरह से चैट जीपीटी से पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे काम करना क्या है, हम उसको सीखते हैं। सिंपल, मैंने फाइवर पे क्लिक किया। फाइवर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज बेच के पैसे कमाते हैं। अब जैसे कि मैंने फाइवर पे एक कीवर्ड जो है ना वो लिखा है जी, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन एक कीवर्ड जैसे मैंने फाइवर पे लिखा है तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ पे काम करना क्या है। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे जॉब की डिस्क्रिप्शन राइट डाउन करनी है। जॉब की डिस्क्रिप्शन अगर आपको नहीं पता वो क्या है और इसको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जॉब की डिस्क्रिप्शन, जस्ट जॉब की डिस्क्रिप्शन लिख के लोग किस तरह से पैसे कमा रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने गिग ओपन की है, कीवर्ड लिखा जॉब डिस्क्रिप्शन का। आप देख सकते हैं 1000 सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे इतना कंपटीशन भी नहीं है। अगर आप इस कीवर्ड पे गिग बनाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रीलांसर्स कम है और वर्कलोड ज़्यादा है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट गिग पे जो है ये आई विल राइट अ यूनिक जॉब डिस्क्रिप्शन डैट वर्ड्स। आप देखें इसने 187 ऑर्डर्स कंप्लीट किया 4.9 रेटिंग के साथ। तो हम इसको देख लेते हैं जी, ये फाइवर चॉइस का फ्रीलांसर है। अच्छा जी, आई विल राइट अ यूनिक जॉब डिस्क्रिप्शन डैट वर्क्स। अब इसने 187 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, 2 ऑर्डर के क्यू में पड़े हुए हैं। क्यू का मतलब ये है 2 ऑर्डर अभी इसके पास बनने के लिए पड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं कि भाई ये कितने पैसे कमा रहा है। अब ये बेसिक पे अट्रैक्टिव सी जॉब की डिस्क्रिप्शन लिख के 6000 कमा रहा है जी, और स्टैंडर्ड पे कितना कमा रहा है जी, 15000 कमा रहा है, और प्रीमियम पे कितना कमा रहा है जी, 28000 कमा रहा है। जस्ट जॉब की डिस्क्रिप्शन राइट डाउन करके, जो आप भी राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इनकी गिग जो है वो देख सकते हैं। अब ऑर्डर इन्होंने क्या क्या चीज़ें शेयर की हुई हैं और इन्होंने अपनी गिग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं, अपना जो है वो पैकेज कर रखा हुआ है। तो हम लोग बाकी फ्रीलांसर्स को देखते हैं जो यहाँ पे गिग बनाकर पैसे कमा रहे हैं। आई विल क्रिएट जॉब डिस्क्रिप्शन एडवर्टाइज पॉलिसी फॉर्म्स एंड ऑर्गनोग्राम्स। आई विल प्रोवाइड वेल रिटन जॉब डिस्क्रिप्शन रिज्यूमेस एंड लेटर। आई विल राइट अ जॉब डिस्क्रिप्शन टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट। अब इनकी गिग को हम लोग देख लेते हैं जी। इन्होंने जो है वो 112 ऑर्डर कंप्लीट किया है 5-star रेटिंग के साथ, और ये कस्टमाइज जॉब के डिस्क्रिप्शन लिखते हैं 3000 लेते हैं, और स्टैंडर्ड पे ये 3 कस्टमाइज जॉब डिस्क्रिप्शन का 9000 लेते हैं, और प्रीमियम पे ये 31000 लेते हैं 10 कस्टमाइज जॉब डिस्क्रिप्शन का। फुली रिटन जॉब डिस्क्रिप्शन डेट इंक्लूड कंपनी डिस्क्रिप्शन रोल ओवरव्यू एंड रिक्वायरमेंट्स वगैरह जी। अच्छा, ये चीज़ें हम भी लिख सकते हैं और हम इसको लिख के जो है ना विदाउट स्किल काम कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक टिप देती जाऊँ, अब जब भी यहाँ पे काम करें, चाहे फाइवर है चाहे अपवर्क है, तो यहाँ पे आप जब भी कोई काम करें आप अपने पोर्टफोलियो लाजमी ऐड करें। आपको पोर्टफोलियो लाजमी ऐड करने चाहिए। पोर्टफोलियो क्या है? आपका सैंपल वर्क होता है। और अगर आपने कभी किसी क्लाइंट का काम नहीं भी किया हुआ ना, तो अभी मैं आपको चैट जीपीटी से जॉब की डिस्क्रिप्शन राइट डाउन करके दिखाऊंगी, तो आप यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट जो है ना यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जी। लाइक जिस तरह यहाँ पे हम देखते हैं जी, इन्होंने पर्सनल हैंडबुक चैम्पियन क्लीनिंग सर्विस
लुकिंग फॉर अ हीटिंग इंजीनियर प्लम्बिंग। अच्छा, ये इन्होंने किसी क्लाइंट का काम किया हुआ है और आप क्लाइंट के लिए रिव्यू भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना, जो आपके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे राइट डाउन करके पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, आप इसको और मजीद स्क्रॉल डाउन करें जी, तो आप देखें यहाँ पे आई विल राइट एचआर राइट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन। इन्होंने 85 ऑर्डर कंप्लीट किया 5-स्टार रेटिंग के साथ जी। अच्छा जी, इन्होंने 590 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं और बेसिक पे कितना ले रहे हैं 9,000 जस्ट जॉब के डिस्क्रिप्शन राइट डाउन करके, और स्टैंडर्ड पे 25,000 ले रहे हैं, प्रीमियम पे 38,000 ले रहे हैं जी जस्ट जॉब के डिस्क्रिप्शन राइट डाउन करके। तो अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि यहाँ पे फाइवर पे लोग जॉब के डिस्क्रिप्शन राइट डाउन करके किस तरह से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोगों को ये नहीं पता कि जॉब के डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं और हमने राइट डाउन कैसे करनी है। अगर आपको ये नहीं राइट डाउन करनी आती, मैं आपको ये एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी, चैट जीपीटी से आप ये जॉब डिस्क्रिप्शन राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा हम जॉब डिस्क्रिप्शन को भी समझ लेते हैं। तो हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं जहाँ पे जॉब्स की जो है वो अपडेट्स आती हैं, लाइक जिस तरह यहाँ पे Indeed.com है। जहाँ पे आप जॉब को सर्च करते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने जॉब का टाइटल लिखा है जी प्रोडक्ट मैनेजर। एक जॉब है जी इसकी प्रोडक्ट मैनेजर की जी। मैं जस्ट आपको राइट डाउन इसको कर रही हूँ, सिटी जो है ना आप इसको चले इसको लाहौर ही कर लें जी। इसको आप जो है ना फाइंड जॉब। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको ढेरों यहाँ पे जॉब्स नज़र आ रही हैं जी इसके लिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये एक जॉब है प्रोडक्ट मैनेजर की। अब यहाँ पे आपको जॉब मिल गई है, ठीक है, जॉब नज़र आई। उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जी फुल जॉब के डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे जो ना जॉब के डिस्क्रिप्शन दी हुए ना, ये बहुत छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। अगर आप इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे मे बी इन्होंने इन डिटेल में जो है ना जॉब के डिस्क्रिप्शन जो है ना यहाँ पे बताई हो। हम इसको थोड़ा सा ना स्क्रॉल डाउन करके हम इसको देख लेते हैं जी। इसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन ऐसी ये देखें, अब आपको यहाँ पे जो है फुल जॉब डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे पोस्ट किया हुआ ना, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने पूरी जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि कोई प्रोडक्ट मैनेजर है, उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, पैकेज क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। फुल जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके बाद असेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। असेंशियल रिक्वायरमेंट में ये है कि जी आपके पास जो है वो डिग्री क्या होनी चाहिए, आपके पास जो है स्किल्स क्या होनी चाहिए, अब एक आपको जहाँ पे जॉब मिल रही है प्रोडक्शन ऑफिसर की, और यहाँ पे भी इन्होंने यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी डिटेल यहाँ पे लिखवाई है फुल जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसी तरह से आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन जो है ना यहाँ पे लिखनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमने जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखनी कैसे है। तो सिंपल मैंने चैट जीपीटी पे क्लिक किया, वहाँ मैंने लिखा जी राइट फुल डिस्क्रिप्शन, राइट फुल जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट फुल जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर प्रोडक्ट मैनेजर। अच्छा, यहाँ मैंने प्रोडक्ट मैनेजर यहाँ पे मैंने रैंडम सेलेक्ट किया। ये आपका क्लाइंट आपको बताएगा आपको उसको किस चीज़ के लिए जॉब की एडवर्टाइजमेंट के लिए किस एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। उसको इंजीनियर की ज़रूरत है, प्रोडक्ट मैनेजर की ज़रूरत है, अकाउंटेंट की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है। ये क्लाइंट आपको खुद बताएगा आपको किस चीज़ को एडवर्टाइज कर रहा है, किस जॉब को एडवर्टाइज कर रहा है। राइट फुल जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर प्रोडक्ट मैनेजर विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, abilities and requirement. अच्छा जी, अब ये अब आपके सामने जो है ना चैट जीपीटी ने आपको लिखा लिखा है मटेरियल सारा जी प्रोवाइड कर दिया। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। पहले ही जैसे मैंने वीडियो को स्टार्ट बताया था कि ये जो आपको काम बताऊंगी विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला, विदाउट स्किल वाला काम है। ये देखिए सारा कंटेंट आपको चैट जीपीटी लिख के प्रोवाइड कर रहा है। चलें जी, अब हम इसको देख लेते हैं जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था
सिंपल आपने क्या करना है जी, यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब की समरी है, वी आर सीकिंग एक्सपीरियंस एंड पैशनेट प्रोडक्ट मैनेजर। अच्छा, ये जॉब की समरी है, कोई भी इसको पढ़ेगा और उसको देखेगा उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, अगर यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैनेजर अप्लाई करेगा, उसका काम यहाँ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, क्रॉस फंक्शन कोलेबोरेशन, रैंडम प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह, ये सारा काम उसका होगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या क्या है, अगर एक प्रोडक्ट मैनेजर यहाँ पे अप्लाई करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि बैचलर डिग्री इन बिजनेस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड प्रूवन एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स और एक्सपीरियंस प्रोफेशन इन वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग टूल्स। अच्छा, ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने शेयर कर दी। उसके बाद यहाँ पर टू अप्लाई प्लीज सबमिट योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर हाईलाइट्स योर एक्सपीरियंस। आप कंपनी का नेम यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, कंपनी का नेम मतलब जो भी आपकी जो भी क्लाइंट आपसे काम करवा रहा है वो आपको कंपनी नेम बताएगा, उसकी लोकेशन बताएगा, फिर एप्लीकेशन डेडलाइन बताएगा, फिर कॉन्टैक्ट ईमेल बताएगा, फिर वेबसाइट बताएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं, ठीक है जी। अब इसमें आपने अपनी मर्जी से क्लाइंट से पूछ के कुछ चीज़ें जो है ना ऐडअप कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, आपका काम यहाँ पे ये कि आपने क्लाइंट को सब चीज़ें जो है ना प्रोवाइड कैसे करनी है। सिंपल आपने क्या किया, ये सारा ये जो मैंने लिखा है जॉब की डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी, यहाँ पे उसको आपने सिंपल क्या कर लेना है जी, कॉपी कर लेना है जी। कॉपी करने के बाद आपने न्यू टैब पे क्लिक करना है और उस पर आपने जाना है जी डॉक पे जाना है आपने, ठीक है जी। मैं क्लाइंट को आपको सेंड करने का तरीका बता रही हूँ, क्लाइंट को आपने सेंड कैसे करना है ये सब चीज़ें। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लाइंट को यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, जो सारी जॉब की डिस्क्रिप्शन हमने वहाँ से कॉपी की थी और यहाँ पे पेस्ट कर दी है, और पेस्ट करके इसको आपने डाउनलोड करके हमने क्लाइंट को सेंड कर देना है। अब क्लाइंट इसमें क्या चेंजेस करना चाहता है या वो आपसे क्या चेंजेस करवाएगा, या उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। आपने एक प्रोफेशनल वे में आपने उसको जो है ना एक फाइल सेंड कर दिया डॉक में, उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है और उसको आपने यहाँ पे जो है वो डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके आपने अपने क्लाइंट को सेंड कर देना। डाउनलोड आप उसको पूछ लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, वो क्लाइंट आपको बता देगा। तो बस आपका ये काम है कि आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन लिख के देनी है चैट जीपीटी की मदद से, और चैट जीपीटी में आपने जस्ट एक चैट जीपीटी को भी यूज़ करने का एक तरीकेकार होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप उसको राइटिंग प्रॉम्प्ट लिखवा क्या रहे हो, मतलब जो भी आप उसको कमांड दे रहे हो वो एक ऑथेंटिक कमांड होनी चाहिए ताकि वो आपको एक ऑथेंटिक कंटेंट जो है ना प्रोवाइड करे। तो आपके सामने आपको मैंने जैसे बताया वीडियो को स्टार्ट में कि फाइवर पे लोग जॉब डिस्क्रिप्शन जस्ट जॉब की डिस्क्रिप्शन राइट करके चैट जीपीटी पे कैसे पैसे कमा रहे हैं। तो आज की वीडियो मेरे को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।